तो देखिए, समान अध्ययन की विषय वस्तु बहुत व्यापक है और समान अध्ययन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके, है ना। यदि प्रारंभिक परीक्षा को देखें तो 7 बड़े सब्जेक्ट हैं प्रारंभिक परीक्षा में। एक आपका भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु बहुत व्यापक है, लगा हर बार जो है लगभग आपके आईएएस हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, सभी स्टेट पीसीएस में आईएएस और राज्य व्यवस्था से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण की विषय वस्तु, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इंडियन ज्योग्राफी की विषय वस्तु, ये महत्वपूर्ण हो गई है। और आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जनरल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स एक मेजर टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आप सभी को, ये पूरी जो श्रृंखला है हमारी, इस श्रृंखला का नाम है याद कर लीजिए जो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस पूरे सेशन में मैं आप सभी के साथ लेकर के आया हूं भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक। इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक के वो क्वेश्चन जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं स्टैटिक सेक्शन से। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है जो करंट में चल रहा है, करंट सिनेरियो है। दूसरा है थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक पक्ष, इकोनॉमी का सैद्धांतिक पक्ष, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी को आज जो है इससे प्रैक्टिस कराऊंगा और आप मेरे साथ जो ये करेंगे पूरा का पूरा प्रैक्टिस, ये आईएएस के ही पूछे गए क्वेश्चन, आईएएस और स्टेट पीसीएस के ही पूछे गए क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन को हम बारीकी से देखेंगे और मैं आपको प्रूव करूंगा, प्रमाणित करूंगा कि आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए आप सभी को एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे यदि आप कर पाए और याद कर लीजिए श्रृंखला के साथ पूरी तरीके से बने रहे, मैं आपको गारंटेड कहता हूं आपके एग्जाम हॉल पे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे इसी पूरी श्रृंखला से, ठीक है। तो याद कर लीजिए जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं समान अध्ययन को लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो चलिए, यहां पर आपके सामने देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार तैयार हो जाएं और इसका आंसर बताना प्रारंभ करें। एक बार इसको पढ़िए क्वेश्चन को। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं, क्या कारण है? यहां पे 4 कारण दिए गए हैं और इन 4 कारणों में बताना है कि कौन सा कारण सही है। बताइए, आंसर दीजिए इसका। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं, ये आरएएस में पूछा गया था, आरएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी का। आराम से आप लोग एक बार इसको पढ़िए। हाँ, अब भेजना आंसर आपने चालू किया। बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं। राधा आर्या जी ने डी बताया है, प्रवीण चौधरी जी ने डी बताया है, अमित कुमार जी, अंजलि यादव जी, शुभम जी, हाँ ठीक है। चलिए, डी वाले काफी ज्यादा हैं। देखो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग डर जाते हो। इससे डरने नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, इनको पढ़िए आराम से। पढ़ेंगे तो इसका हल आपको यहीं पे दिखने लग जाएगा क्वेश्चन पे। देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है। मतलब आप देखते हैं ना, बार बार जो है इनोवेशन होता रहता है। आप लोग मोबाइल खरीदिए, पता चला अभी ये मोबाइल आपने खरीदा, कुछ दिन बाद ये मोबाइल बदल गया, 5G फोन आ गया है, 5G के बाद फिर 6G आ जाएगा। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है ना। तो अब क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। सही बात है, डिमांड बढ़ रही है, आप लोगों की भी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं कि आप कुछ नई चीजें आए। जब तक कोई मार्केट में नई चीज नहीं आएगी आप क्यों खरीदेंगे, ऑलरेडी आपके पास रहेगी। तो यदि मार्केट में कंपनी को अपने आप को सर्वाइव करना है तो उसको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बदलना पड़ेगा और उसको कई कुछ नए एस्पेक्ट जोड़ने पड़ेंगे उसके, ठीक है। तो तकनीकी और टेक्नोलॉजी के कारण माध्यम से एक बहुत बड़ा कारण है कि जो उपभोक्ताओं की मांग है और उनकी जो अपेक्षाएं वो निरंतर बढ़ रही है। सही बात है। दूसरा है, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में
प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, वही बात है कि जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जा रहा है। तीसरा, अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन दर तीव्र हो गई है। तो जिस तरीके से भारत की बात करें तो 1991 में हमारे यहाँ पे निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, जो हमारी नई आर्थिक सुधार नीति थी, उसके परिणाम स्वरूप जिस तरीके से एक व्यापक परिवर्तन हुआ कि पूरा विश्व गांव में तब्दील हो गया, एक प्रतिस्पर्धा बन गई। एक कंपनी, इंडिया की कंपनी है, विदेश की कई कंपनियों के साथ एक प्रतिस्पर्धा करती है। अब आप कुछ नहीं, आपके मोबाइल पे मोबाइल नेटवर्क आता है जो, उसमें आपका हच भी बैठा हुआ है। पहले हच हुआ करता था, वोडाफोन हो गया है भाई, हच को वोडाफोन ने खरीद लिया, ठीक है। और अब वोडाफोन और आइडिया एक हो गए, क्यों? इंडिया में जियो निकल के आ गया, एयरटेल है वो, उसकी हालत खराब हो गई। तो कई बार क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कई ऐसी प्रतिस्पर्धी कंपनियां आती हैं। अब जैसे कि आप अमेजॉन को देख लीजिए, इंडिया का फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, फिर फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि प्रतिस्पर्धी बढ़त को मतलब ये है कि अब प्रतिस्पर्धा के कारण से कम लागत चाहिए, उत्पाद और सेवाओं को गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कंपनियों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रौद्योगिकी की मदद से, है ना, टेक्नोलॉजी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना लगातार। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। जिन लोगों ने डी ऑप्शन सही दिया, बिल्कुल सही दिशा में आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है, क्लियर है। साहिल कुमार जी बेटा क्या दिक्कत हो गई, छत्तीसगढ़ में कौन सा डेटा आपका, मुझे एक बार भेजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, कहां पे क्या दिक्कत है आपको, आप किसी बैच से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में, सीजीपीएससी का कौन सा डेटा गलत है आपका। हाँ साहिल जी एक बार मुझे बताइएगा, आपका जो भी हो यहाँ पे अभी लिख भी सकते हैं, आप मेरे साथ हैं, कोई क्वेश्चन रहा हो कुछ भी रहा हो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और डेटा यदि कुछ इधर उधर होता है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं, डेटा कुछ इधर उधर होता है, गूगल कर लो, थोड़ा सा देख लो, कई बार होता है कि डेटा इधर उधर हो भी जाता है, इतनी तो समझ आप लोग रखते हैं ना। देखो एक चीज ध्यान रखो, आप भी ये ध्यान रखिएगा कि आप भी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, क्रॉस चेक करने की, हमेशा क्रॉस चेक करते रहिए, जहां पे गलत है वहां पे सुधार करिए, और दूसरे भी यदि कोई गलत कर रहा है तो उसका भी सुधराव करिए। यहां पे हमें एक म्यूचुअली एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना है, यदि कहीं पे गलत है उसको तुरंत बताइए। आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि आपने वो बताया, आपने बताया कि इसका डेटा ये होता है और उसका बकायदा प्रमाण के साथ, आपको वेरीफाई जरूर करना है, प्रमाणिक जरूर देना है, ये बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज यदि आपको कहीं पर भी लगती है, किसी भी डेटा में किसी भी चीज में, आप इसको क्लियर करिए, स्पष्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, भूल चूक होती है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो अपने आप को ये कह दे कि मैं सर्वज्ञ हूं, है ना, मुझे बस ज्ञान प्राप्त हो गया, महात्मा बुद्धा बन गया, मैं गलती नहीं कर रहा हूं। सबसे गलती हो सकती है ना, ह्यूमन एरर सबसे होती है। तो यदि ह्यूमन एरर, मैं कई बार होता है मेरे मास्टर वीडियो में भी कई बार एक दो डेटा गलत हो जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, आप देखिएगा कमेंट में मैं पिन कर देता हूं भूल सुधार, कि भाई यहाँ पे ये गलती हो गई है अब इसको कर लीजिए। कोई भी बुक देखिएगा लक्ष्मीकांत में आपको 50 गलतियां निकल जाएंगी। तो गलतियां निकालने नहीं बैठना, बल्कि गलतियां सुधारने बैठना है। कहीं पे गलत हुआ है उसका डेटा लिखिए और डेटा लिख करके उसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। बाकी ये चीज थोड़ा सा समझना होगा सभी लोगों को। साहिल कुमार जी बेटा देखो यहाँ पे जितने बच्चे हैं, अच्छा रायगढ़ वाले वो हैं ऐश्वर्य अग्रवाल सर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा मर्यादा बना के रखनी है। जिस मंच में आप खड़े हैं ये ध्यान रखिएगा कि ये मंच आईएएस एकेडमी का मंच है, तो थोड़ा सा आप लोगों का सबका, हाँ ये बस इतना एक्सपेक्टेड है आप लोगों से। और आराम से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो एक नंबर भी दे रहा हूँ आप लोगों को, उस नंबर पे सोल्यूशन आपको मिलेगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो कैसी भी करके, एक नंबर है आप लोगों का संस्थान का 9115269789। पढ़ने से लेके पढ़ाने से लेके किसी चीज को लेकर के इसमें आप अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, प्रॉब्लम तुरंत सोल्यूशन पाइए, ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। चलो साहिल कुमार जी कह रहे हैं सर मैं डाटा पढ़ा हूं दोनों में गलत है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बेटा, आप इसमें भेज देना, यदि कोई डाटा है कोई भी चीज गड़बड़ हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए टेंशन मत लीजिए।
अरे छत्तीसगढ़ में तो बहुत दिक्कत है, आपके तो आयोग में प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में, कि बुक्स में भी बहुत इश्यू है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैंने मास्टर वीडियो दिया है, यदि आपको कुछ छत्तीसगढ़ को लेकर इशू है आप मेरा एक बार मास्टर वीडियो देखो, आपको पता चलेगा वहां पे। क्योंकि कई बार होता है कंफ्यूजन होता है डेटा को लेकर, कंफ्यूजन कहां से हो जाता है, आयोग आंसर कुछ और दे रहा है, हमारे द्वारा जो पढ़ा जा रहा है या फिर जो बुक्स में एडवांस बुक में पढ़ा जा रहा है वहां पे चीजें कुछ अलग होती हैं, तो कई बार मिसमैच हो जाता है। तो जहां पे कहीं पे डेटा एक दो डेटा यदि इधर उधर होते हैं ना, इतनी बुद्धिमानी करनी है, गूगल सबसे बड़ी चीज है, गूगल करिए, बुक्स को देखिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि दोनों मैच कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बुक्स में भी गड़बड़ है और आपका गूगल में कुछ और दे रहा है तो थोड़ा सा फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, सोल्यूशन से काम चलेगा। सोल्यूशन जो भी हो आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको सर से डायरेक्ट बात हो जाएगी, जो सर है आपके छत्तीसगढ़ वाले वो आपको, या फिर यदि आप बैच में जुड़े हो तो ग्रुप में तो पूरे दिन आपके जो भी सोल्यूशन होते हैं सबके किए ही जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आएगा बेटा, राजस्थान का भी आएगा। हाँ तो साहिल जी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देख लेना आप, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। चलो आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग समय को देखो, मैं डाउट भी लूंगा तब आप लोग डाउट पूछ लेना, अभी थोड़ा सा इन चीजों में मत लगो, ठीक है, अभी केवल क्लास करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, मैं इसका प्रमाण भी आपको दूंगा, और ये क्वेश्चन में कुछ दम दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी पीएससी लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम प्रायोरिटी में रखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ है, तो डरना नहीं है कि क्वेश्चन कुछ बड़ा दे दिया या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है आप लोगों को, फिर मैं इसको समझा दूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल टाइम आप लोगों से पूछा गया है। आराम से पढ़िए, आंसर दीजिए इसका। चल रही है बेटा करंट अफेयर्स की क्लास भी चल रही है, 5 बजे एग्जाम इंडिया में, आज मैंने क्लास से शुरू कर दिया आज से। भाई बताइए इसका आंसर तो बताइए आप लोग, और इसको लाइक और शेयर भी करते जाओ, देखो भेजते जाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने का काम भी आप ही लोगों का है, ठीक है। कम से कम एक बार लाइक करना बहुत जरूरी है आप लोगों का, क्योंकि आपके माध्यम से फिर YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंड भी करता है। हाँ बी वाले आ गए काफी लोग इसमें। अतुल जी कह रहे हैं सबको सब कुछ पक्का पकाया चाहिए, बिल्कुल ये तो दिक्कत है। साहिल कुमार हाँ आयोग के क्वेश्चन गलत होते हैं बेटा, इस बार तो हमने ज्ञापन भी भेजा था आयोग को आप लोगों की तरफ से। श्रुति कुमार जी बिल्कुल बेटा बी सही है, तो रुक देखते हैं ये कौन है, बांके बिहारी की धरती से। मानस देव जी मोस्ट वेलकम बेटा, राजस्थान करंट सब कुछ करवाऊंगा राजस्थान वाले चैनल पे आप लोगों को, राजस्थान का मास्टर वीडियो दूंगा एग्जाम से पहले, टेंशन ना लो, दिसंबर में एग्जाम है आपका। चलो देखते हैं इसको, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, बिल्कुल पता है जो बी वाले हैं लगभग सही है। क्वेश्चन है जहां कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता है, देखो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है आपकी, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं इंटरनेशनल लेवल पे यदि इकोनॉमिक मॉडल के तौर पे देखें। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार सिर्फ और नियामक की भूमिका निभाती है, रेगुलेटर की भूमिका निभाती है, ठीक है, कंट्रोल नहीं करती इकोनॉमी में, उसको लेसेस फेयर के सिद्धांत के तहत चलाया जाता है। एक पर्सन थे एडम स्मिथ, उनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, तो एडम स्मिथ के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया हस्तक्षेप की नीति, यानी कि मार्केट की जो पावर है, बाजार की जो पावर है, डिमांड एंड सप्लाई, बाजार की दो शक्तियां हैं डिमांड एंड सप्लाई, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है, बाजार की शक्तियों पर आधारित होती है, मांग और पूर्ति पर आधारित होती है, ठीक है। तो मांग और पूर्ति पर जो अर्थव्यवस्था आपकी आधारित हो वो होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं माफ करेगा, वो है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पे सरकार सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है, विनियामक संस्था का काम करती है, ठीक है, और पूरी की पूरी जो बाजार की शक्तियां होती हैं वो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं, उनको चलाती हैं, ठीक। दूसरी होती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था।
समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पे इकोनॉमी पे सरकार का कंट्रोल होता है, रेगुलेशन ना होकर के कंट्रोल होता है। कंट्रोल का मतलब सब कुछ सरकार का ही होता है, सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता है। यानी इकोनॉमी में जो कुछ किया जाएगा सब सरकार का द्वारा किया जाएगा, और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं क्लोज्ड इकोनॉमी होती हैं। क्लोज्ड मतलब बंद अर्थव्यवस्था की तरह काम करती हैं। तो ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे बैंक जितने भी होंगे सब सरकारी होंगे, स्कूल जितने होंगे सब सरकारी होंगे, हॉस्पिटल जितने होंगे सब सरकारी होंगे, है ना। तो वो सरकार का उसमें ज्यादा रोल होता है। अब भारत ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने इकोनॉमी का मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल लिया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल मतलब यहां पे सरकार के साथ साथ प्राइवेट यानी कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिला जुला रूप। प्राइवेट संस्थाएं भी हैं यानी सरकार रेगुलेटर की भूमिका भी निभा रही है, और सरकार अपने खुद के भी, सरकारी स्कूल भी हैं तो प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी जो है हॉस्पिटल्स हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, है ना। तो सरकारी और निजी दोनों मिल के काम कर रही हो, जहां पे पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे काम कर रही हो, यही आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये समझना है आपको, ठीक है। तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा कह रहा है, ये तो गलत हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व तो ये हर एक इकोनॉमी में होता है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स्ड हो, ठीक है। दूसरा कह रहा है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान हो, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, ठीक है। जहां पर इकोनॉमी में सरकार के साथ साथ प्राइवेट भी हो, है ना, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट भी हो, सार्वजनिक के साथ साथ निजी भी हो, तो वहां पे क्या होगा आपका, मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, ठीक है। बाकी क्या है, जहां राष्ट्रीय भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। जहां आर्थिक नियोजन और विकास के केंद्र में राज्यों की समान भागीदारी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य जहां पे दोनों मिलकर काम करेंगे हो जाएगा सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, है ना, ये संघवाद की परिभाषा है, संघवाद, सहकारी संघवाद, ठीक है। केंद्र और राज्य साथ में काम करें, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, एग्जांपल दिखाऊं, चलो अब सबका आंसर आपको यही इसी का देना है। देखो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, फास्ट आंसर बताइए, इनमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोगों का, ठीक है, बताते जाइए बस। भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, ठीक है, अब आपको आंसर बताते जाना है सबको, फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी बताइए भाई। बेटा उत्तर प्रदेश का मास्टर वीडियो ऋषि जी मैंने दे दिया है भैया, आप अभी एक क्लास करवा रहा हूं, आप मास्टर वीडियो की बात कर रहे हैं, मैंने दे दिया है, आंसर बताओ ना आप लोग। देखो जिसको क्वेश्चन पूछना है बाद में पूछेगा, अभी कोई क्वेश्चन ना पूछिए, बाद में मैं आंसर अभी देने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं अभी पहले क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों के। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा जाएगा, ये देखो कितने एग्जाम लिखे हैं, यूपी पीसीएस, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है, काफी एग्जाम में आया, अभी लगातार आता ही रहेगा ये। इसका सही आंसर बी है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमान। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि इतना सही क्वेश्चन है आपके पीसीएस में, तो पक्का कह रहा हूं श्योरिटी ये पूछा ही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी कैसी है, आंसर बताइए जल्दी फास्ट तुरंत। अब इनमें कुछ है नहीं, पिंटू टाइप के हैं, कुछ है नहीं, देखो अभी लगातार यही चलेंगे आपके, और मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि पूछे जा रहे हैं। ये री एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस का, उसमें पिंटू सा पूछा गया था, और आप लोग इन्हें इग्नोर नहीं करते, गलत भी कराते हो बहुत सारे लोग। देखो कितने बी बता रहे हैं इसमें, कितने लोग बी वाले हैं, देखिए इसमें कितने लोग गलत बता रहे हैं। अरे भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका सी सही होगा, चार का सी सही होगा, बी कहां से आ गया आप लोगों का, हाँ आधे ज्यादा फिर आप लोग गलत करते हो, इतने में भी गलत कर रहे हो तब तो फिर बड़ी बुरी हालत है। ये बताइए पांचवा क्वेश्चन, पांचवे का आंसर बताओ भाई, इसका क्या होगा, पांचवे का फास्ट से देखो कि ये भी पूछा गया आपका यूपीपीएससी में, कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन, देखो फेवरेट क्वेश्चन है आयोगों के। अब इसका आंसर बताओ सभी लोग, अब बस आंसर आंसर बताते जाना है, अभी ये मल्टीपल टाइम आपका रिवाइज्ड होगा, और मैं बिल्कुल प्रूव कर दूंगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पे आधारित है, हाँ देखो सी वाले भी हैं, डी वाले भी हैं, फिर आप कहते हो कि फिर मैं गुस्सा होता हूं। इसका सही आंसर डी है, पांच का डी सही है। अगला है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, छठवां बताओ, देखो वही सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, अब यही पूछेगा।
बताओ अब नेक्स्ट। ठीक है, डी वाले काफी लोग आ गए। अब अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिवा पांडे जी बिहार की धरती से। बताइए छठवें का, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, छह का सी। पूछा है ना दोबारा, नगे अगेन, फिर देखो, फिर पूछा अगली बार, सेम क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट कर रहा है। सातवें का बताइए, बस एक 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 ही क्वेश्चन है जो इनके पास बचा है इकोनॉमी में, इसलिए मैं चाह रहा हूं ये रट लो, याद कर लो। ये पूछा जाता है अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो अर्थव्यवस्था का प्रकार देख लो आप। चलिए सी सही है इसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला, भारत में किस तरीके की अर्थव्यवस्था, ये बीपीएससी में पूछा था। देखो अब इससे पिंटू सा क्वेश्चन है, सब पिंटू पिंटू हैं पर मान नहीं रहा, यही पूछ रहे हैं। सबको पता है सी सही है। चलो तो देखो ये बार बार पूछ रहा है, इसे याद कर लो। अब अगला बताओ, ये वाला अच्छा, नवे का आंसर बताओ आप सभी, नवे क्वेश्चन का आंसर बताओ, नवे क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। नवे का बताइए, नाइन का क्या सही है। बहुत कठिन नहीं है बेटा ये। देखो भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, नाइन का बी, कुछ लोग डी भी दे रहे हैं, हाँ बी डी ए वाले भी हैं इसमें। तो देखो भारत की अर्थव्यवस्था एक श्रम आधारित वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसको जाना जाता है। श्रम आधारित वाली अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं भारत को, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जनसंख्या ज्यादा होने के कारण से अकुशल श्रम बहुत ज्यादा है। कैसा श्रम है हमारे यहाँ पे, अकुशल श्रम, सबको स्किल्ड बेस नहीं बना पाए हम, तो अकुशल श्रम ज्यादा होने के कारण से भारत में श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या की अधिकता के कारण से इसको किस रूप में जानते हैं हम, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। तो इसका क्या सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला चलते हैं। ये देखो पीसीएस वगैरह क्वेश्चन है आपके, डरना नहीं है, ये स्टैटिक सेक्शन है और यहां से क्वेश्चन आपके हर बार पूछे ही जाते हैं। ये बताइए छत्तीसगढ़ पीसीएस में कहां गए छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़ वाले कहां गए स्टूडेंट, साहिल जी बताओ भाई। साहिल जी अब बताना है अब आपको आंसर, इसका आंसर बताना है छत्तीसगढ़ का है। इसमें कुछ चीजें लिखवाऊंगा भी, इसलिए तैयार रहना। 10 नंबर का पहले बता दो, फिर इसके बाद आगे लिखवाऊंगा भी इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसको लेकर के इनमें से कौन सा जो है कूट दिया गया है। एक तीन चार सही है, एक दो चार सही है, एक चार सही है, उपरोक्त सभी सही है, ये इनमें से कोई नहीं सही है। अब देखो साहिल जी गलत बात है बेटा, अब आप गायब हो गए। क्वेश्चन का आंसर देने में ना फिर आप लोग गायब हो जाते हो, ऐसे आप लोग ये सही है वो गलत है, ये डेटा सही है वो डेटा सही है, बताओगे नहीं कि कौन सा डेटा था वो ना बताओगे। 10 का डी वाले भी हैं, 10 के बी वाले भी हैं, सभी हैं, सी वाले भी हैं। देखो हर तरीके के यहाँ पे भांति भांति की वैरायटी आप लोगों ने दे दी अपनी, ए वाले भी हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो समझते हैं, देखो कह रहा भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये कैसे पता चलेगा, विकासशील मतलब अल्प विकसित, दोनों बात बराबर है, कोई इसमें ये नहीं है। तो आय के असमान वितरण तो है, सही बात है ना, किसी के पास बहुत पैसा है
किसी के पास, भारत में तो 10% लोगों के पास है खूब पैसा, बाकी 90% लोगों के पास है ही नहीं पैसा। तो आय का असमान वितरण है भारत में, बिल्कुल इस कारण से अल्प विकसित वाली अर्थव्यवस्था है, ये कथन सही है। उच्च निर्भरता दर है, सरकार की सब्सिडी पर सब जी रहे हैं, सबको सब्सिडी चाहिए है ना, एलपीजी में सब्सिडी चाहिए, इसमें सब्सिडी चाहिए, उसमें सब्सिडी चाहिए, तो निर्भरता दर बहुत ज्यादा है। और जो हमारे यहाँ पे अब तो 65 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों का थोड़ा सा कम हो गया है ना, और युवा आबादी हो गई, इसके बावजूद भी जनसंख्या ज्यादा होने के कारण से हमारे यहाँ पे अनप्रोडक्टिव वर्ग भी काफी ज्यादा है। अनप्रोडक्टिव का मतलब ये होता है जो बच्चे होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, युवावादी होने के बावजूद भी अकुशल हैं, ज्यादा श्रम है ना। अभी मैं लिखवा दूंगा आपको 10-12 पॉइंट लिखवा दूंगा इसको लेकर। राष्ट्रीय आय में बहुत धीमी वृद्धि दर, बिल्कुल सही बात है, माइनस में जीडीपी, अब तो कोरोना काल के बाद कहानी और बिगड़ गई है। बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, तो ये परिवर्तन अब धीरे धीरे, अब तो बड़े स्तर का आ गया, सरकार लगातार काम कर रही है बैंक वगैरह को लेकर के, ठीक है, और लोन वगैरह ये सारी चीजें अब प्रयास किया जा रहा है कि बैंकों के माध्यम से सब तक पहुंचे, लेकिन अभी भी काफी दूर खड़े हैं हम। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के चारों कारण है, यानी इसका सही है डी। तो जिन लोगों ने डी बताया, डी तो सही है। अब इसमें कुछ लिख लो, ये लिख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब लिखिए, मैं आपको 10-12 पॉइंट दे देता हूं कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्रम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, सभी लोग लिख लीजिए। सबसे पहला लिखिए प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, पहला पॉइंट लिखिए प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, अगला लिखिए प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय की धीमी दर, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज्यादा नहीं हमारे देश में, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर, धीमी वृद्धि दर। अगला पॉइंट लिखिए जनसंख्या का भारी दबाव, ये सब विकासशील अर्थव्यवस्था के कारक है, जनसंख्या का भारी दबाव। अगला लिखिए गरीबी का सह अस्तित्व, गरीबी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, गरीबी का अस्तित्व। अगला लिखिए कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता। अगला लिखिए बेरोजगारी की अधिकता, बेरोजगारी की अधिकता। अगला लिखिए तकनीकी एवं कौशल की कमी, तकनीकी एवं कौशल की कमी, तकनीकी एवं कौशल की कमी। तकनीकी एवं कौशल की कमी। अगला लिखिए साक्षरता का निम्न दर, साक्षरता का निम्न दर, साक्षरता का निम्न दर। अगला पॉइंट लिखिए रूढ़िवादी परंपरागत समाज, रूढ़िवादी परंपरागत समाज, रूढ़िवादी परंपरागत समाज। अगला पॉइंट लिखिए विकास के लिए योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन ना हो पाना, विकास इसको बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी तो बहुत बनती है लेकिन लकवाग्रस्त हो जाती है। विकास के लिए योजनाओं का, विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए योजनाओं का लागू ना हो पाना, तो सही तौर पे कौन सी योजना क्रियान्वित होती है, कोई नहीं होती है। इस गवर्नमेंट ने भी कुछ भी नहीं किया इस मामले में, पॉलिसी तो बहुत बनाई, डेली प्रधानमंत्री आके खूब वाहवाही करते हैं लेकिन योजनाएं कोई नहीं चल रही। सही ढंग से देखा जाए तो कोई योजना सही ढंग से नहीं चल रही, कोई योजना सही ढंग से नहीं चल रही, ये कंडीशन है। सही ढंग से कैसे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, आप जाके देख लीजिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको एक स्किल बंदा नहीं मिलेगा, बंद पड़े हैं सेंटर, कोई नहीं है, सिर्फ पैसा जा रहा है और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, फर्जी बच्चे दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज। जिस सेंटर पे मैं, हमारा जहाँ पे ऑफिस है, हमारे जस्ट ऊपर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑफिस है, कुछ नहीं है वहां पे, कोई नहीं, बंद पड़ा रहता है, कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जितनी भी योजनाएं ऐसी हैं जिससे देश का विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, योजनाएं गर्त में पड़ी हुई है, गर्त में। स्वास्थ्य के क्षेत्र की हालत बुरी है, आपने कोविड काल पे देख लिया, स्वास्थ्य की यदि योजनाएं अच्छी होती तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती देश में। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हाहाकारी हो गई, अभी वैक्सीन को लेकर हाहाकारी है ना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर
अभी नहीं है हमारे देश में। कारण वही है क्योंकि योजनाएं तो बनी, खूब सारे अस्पताल कागजों में बन गए, लेकिन उनका क्रियान्वयन क्या हालत हो गई है ना। अगला लिखिए, योजनाओं पर अत्यधिक व्यय, यानी कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है योजनाएं। योजनाओं पर भ्रष्टाचार, ये लिख लीजिए, योजनाओं पर भ्रष्टाचार, सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी विशेषताएं एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की हैं। अंडर डेवलप्ड अर्थव्यवस्था की ये सारी की सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। तो वही था और क्या था, ये पिंटू सा क्वेश्चन था, डर जाते हो आप लोग। ये क्वेश्चन देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आपको बतानी है इसमें। अब देखो वही क्वेश्चन है, अगेन अगेन पूछेगा। अभी मैंने आपको जितना लिखवा दिया, अब इसमें थोड़ा सा कुछ अलग पॉइंट है तो वो पॉइंट भी मैं आपको लिखवा दूंगा, क्या दिक्कत है बताइए भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण बता देने मुझे यहां पे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछेगा, देखना कई बार। बताइए बताइए बताइए, कुछ नहीं है इसमें, डी डी वाले काफी लोग आ गए यहां पे। साहिल जी गायब हो गए आप, चलिए ठीक है, सही है बिल्कुल, आप लोगों का डी ही सही होगा इसका आंसर, जितने लोग डी के साथ जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, उद्योग की प्रधानता नहीं है। उद्योग की प्रधानता जिस देश में होती है वो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, उद्योग को लेकर आप जाके सरकार ध्यान दे रही है। न्यून प्रति व्यक्ति आय है ना, आय बहुत कम है और बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा है, ये सब हमारे देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को दिखाता है, उद्योग नहीं दिखाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 डी सही है, सही है, ठीक है। हाँ चलो चलो, अरे सब समझदार हो आप लोग, समझदार तो जबरदस्त है, यहाँ पे सब समझदार बैठे हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए देश की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। अनार्थिक तत्व यानी कि जो अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से जिसको नहीं जोड़ना चाहिए। दो तरीके से चीजें होती हैं आर्थिक विकास में, आर्थिक और अनार्थिक, अभी लिखवा दूंगा ये भी आप लोगों को। बेटा कोई एक ऑप्शनल लेना है, जो अच्छा लग रहा हो, जिसमें रुचि ज्यादा हो उसी को ले लीजिए। अब फास्ट आंसर बताना है, ए वाले काफी लोग हैं इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। देश की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा अनार्थिक तत्व है, तो अनार्थिक तत्व है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार मतलब कि जो, देखो आर्थिक और अनार्थिक, आर्थिक तत्व वो तत्व है जिससे जिसकी प्रोडक्टिविटी हो। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये समझिए कि जिससे कोई दूसरा उत्पाद बनाया जा सकता हो, या फिर कोई दूसरे उत्पाद के लिए कारक के तौर पे काम करे, जिससे पूंजी का निर्माण किया जा सकता हो। तो ये सब चीजें क्या हो सकती हैं आपकी, या तो कारक हो, फैक्टर हो उसको बनाने में, जो इकोनॉमी को चलाने के लिए काम आए। तो आर्थिक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, आर्थिक तत्व प्राकृतिक संसाधन यदि किसी देश के पास होंगे तो उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। श्रम शक्ति होगी, जनसंख्या होगी, ये भी एक आर्थिक तत्व है। पूंजी यदि किसी देश के पास होगी, कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल निर्माण को लेकर के उसके पास क्षमता होगी, तो ये भी आपका आर्थिक तत्व के अंतर्गत आएगा। तकनीकी और नवाचार यदि किसी के पास होगी तो वहां पे भी आर्थिक तत्व के अंतर्गत आएगा। पूंजी उत्पाद अनुपात ये भी आपका आर्थिक तत्व है, और एक स्ट्रक्चर, एक संगठन, ये भी आपका आर्थिक के अंतर्गत है। और जो आपका अनार्थिक तत्व है, अनार्थिक तत्व का मतलब किसी भी समाज और सोसाइटी का सामाजिक व्यवहार, उसका अनार्थिक तत्व है। क्या है, सामाजिक व्यवहार है, ठीक है, राजनीतिक व्यवहार है, वहां का जो राजनीतिक घटक है, जो वहां के सामाजिक घटक है, जो वहां के धार्मिक घटक है, जो वहां के अंतरराष्ट्रीय घटक है, जो वहां के वैज्ञानिक घटक है, ये सब क्या दिखाते हैं, वहां का ये
अनार्थिक तत्व दिखाता है, है ना, अनार्थिक तत्व दिखाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें दोनों तत्वों को साथ में देखा जाता है, आर्थिक तत्वों को भी देखा जाता है, यानी कि डिजिट्स देखी जाती हैं, साथ साथ वहां पे अनार्थिक तत्व यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी देश की मान लीजिए जीडीपी बहुत अच्छी हो गई, प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी हो गई, मान लीजिए आप हैं, आपके घर में आपके पिताजी की इनकम बढ़ गई, लेकिन क्या खान पान बढ़ा, क्या एजुकेशन बढ़ी आपके घर की, क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ, ये सारी चीजें जब अच्छी होंगी तब आपका डेवलपमेंट माना जाएगा। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, बहुमुखी विषय वस्तु है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन ये भी आसान है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये तो पिंटू सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है, अभी बताया हमने डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, देखो सेम टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा है, तो ये टॉपिक से भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, और विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन का स्वरूप, उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है, तथा सामाजिक संबंधों में विकास के साथ भी परिवर्तन होता है यहाँ पे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो कि विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कूट दिया गया है इसमें, कूट दिया गया है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषताएं होती हैं। देखो सेम क्वेश्चन बार बार रिवाइज, बार बार रिपीट कर रहा है, एक क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट किया जा रहा है और कुछ नहीं, एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, बताइए इसका आंसर, अभी बताया है सारे पॉइंट, अभी मैंने आपको लिखवाए थे एक साथ, अभी डिस्कस इसी को लेके किया था, बहुत आसान है ये। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण होंगे, प्रति व्यक्ति आय निम्न होगी, बिल्कुल सही बात है, पूंजी निर्माण दर कम होगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, निम्न आश्रितता अनुपात नहीं उच्च होगा ये, तो ये गलत हो गया, तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल की शक्ति का होना, तृतीयक मतलब सर्विस सेक्टर, तो कहां होगा ज्यादा, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा होता है, ठीक है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उनमें सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ए होगा, एक और दो सही है इसका, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने से आंसर आ जाएगा यदि आपने एक बार इसको समझ लिया, आपने मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए। तो अल्प विकसित जो शब्द है ये उन अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है जहां पे लोगों का रहन सहन काफी निम्न है ना, उत्पादकता कम है, जनसंख्या का स्तर अधिक होने के कारण से प्रति व्यक्ति आय कम है, निम्न है ना, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं की अभी बहुत सारी मैंने आपको लक्षण बताए हैं, कई सारे अर्थ लक्षण आपको मैंने बताए हैं आपको, ठीक है, निम्न प्रति व्यक्ति आय का होना, निम्न जीवन स्तर का होना, जनसंख्या वृद्धि ऊंची होना, बेरोजगारी होना, अल्प रोजगार होना, है ना, रोजगार बहुत कम होना, कृषि क्षेत्र ज्यादा होना, पूंजी निर्माण निम्न दर होना, आय की विषमता होना, ये सारे आपके जो पॉइंट हैं ये आपके, ठीक है, इसी अर्थव्यवस्था को लेकर के दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 15, तुरंत बताइए इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। देख लो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है पता होना चाहिए आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाएं उन्हें याद कर लो आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था यूपीपीसीएस में 2017 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, किसी को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, कृषि व्यवसाय है, बिल्कुल सही बात है, प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई बेरोजगारी है, एक आदमी का काम होता है, 15 लोग लगे होते हैं खेती में, देख तो छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब समझ रहे हो ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक आदमी के काम पे पूरा परिवार लगा होता है, तो ये बोलते प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता होती है,
बिल्कुल होती है। मानव पूंजी स्किल्ड नहीं होती, अकुशल होती है। और प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, यह गलत दिया गया है, बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर डी होगा इसका। 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है इसका। तो अर्थव्यवस्था का विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पर इसको देखते हैं। इसमें कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, पूंजी की निम्न दर होती है, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होती है, बेरोजगारी होती है, निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, औद्योगिक पिछड़ापन होता है, आय असमानता होती है, सारे वही पॉइंट है। ठीक है, बार बार इनको हम नहीं देखेंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। देखो सब सेम क्वेश्चन, देखो कितनी बार रिपीट कर गया, सेम क्वेश्चन गोल गोल घुमा रहा है। इससे भी क्वेश्चन आपका आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित किया जा सकता है किस तौर पे? किस तौर पे भारतीय अर्थव्यवस्था को बताए, बताइए बिल्कुल फास्ट। बताइए इसका आंसर, बताइए बिल्कुल फास्ट। अभी इसका आंसर अभी बताया, देखो ठीक है, बिल्कुल सही है इसका, बी ऑप्शन सही है। सभी लोग, जितने लोग बी बता रहे हैं, सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन यानी जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है? ठीक है, आर्थिक सुधार जो आपके हुए थे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल पूछ लिया आपका, ठीक है, क्योंकि यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किया? अभी आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है ये, फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन, लेकिन कर सकते हैं आप इसको आइडिया लगा सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं। देखो यहां पे सरकार, चूंकि इकोनॉमी की बात हो रही है, यहां पे आर्थिक सुधारों की बात हो रही है, तो यदि आर्थिक सुधारों की बात हो रही है तो आर्थिक सुधारों में आपका न्यायिक चित नहीं आती है, आपका न्यायिक प्रणाली में सुधार नहीं आता। तो यदि आप इतना समझ लें, तेल में सुधार हो सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार हो सकता है, शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार हो सकता है, न्यायिक प्रणाली नहीं आएगी, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और है क्या इसमें, ये भी पिंटू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यायिक प्रणाली को छोड़कर सेकेंड जनरेशनल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म है ना, सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत ये सारी चीजें थी और ये नहीं था। ठीक है, इसके लिए आपका विधि आयोग बनाया जाता है, विधि आयोग का काम रहता है कि वो कानून और न्याय को लेकर के करे काम। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको बताइए, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की चर्चा करता है? थोड़ा सा जल्दी बताना है इसका आंसर। सी वाले, देखो कितने लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग सॉरी वाले भी हैं। सी को लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया, बिल्कुल सही बात है, सी सही है, व्यक्ति और राज्य दोनों। भारत में विकास का जो इकोनॉमिक मॉडल है, देखो हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था पीपीपी पे आधारित होती है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप दोनों पे आधारित होती है, दोनों की भागीदारी से देश का विकास किया जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो प्रशासन होता है वो राज्य करता है, और निजी क्षेत्र में प्रशासन व्यक्ति करता है, पर्सन करता है। तो इस प्रकार विकास का जो भारतीय मॉडल है, राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, यानी कि ये आपका प्राइवेट हो गया निजी, और ये हो गया आपका पब्लिक, तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों की बात करता है हमारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे क्वेश्चन आंसर पे, आज के लिए इतना ही रखेंगे आप सभी को क्वेश्चन आंसर पे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस पे बताइएगा जरूर कैसे लगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल साथ साथ आप इनको दिमाग में बैठाते जाइए, ये क्वेश्चन आपकी इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेंगे आगे। अभी इकोनॉमी की श्रृंखला चलती रहेगी, कंटिन्यूअस हम इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन और